फाइनल में क्यों हारी टीम इंडिया, जाने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की हार के 5 बड़े कारण। नमस्कार, मैं हूं तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। वर्ल्ड कप फाइनल में टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया। इस तरह भारतीय टीम का तीसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बनने का सपना टूट गया। ऑस्ट्रेलिया के सामने 241 रनों का लक्ष्य था। ऑस्ट्रेलिया ने 43 ओवर में 4 विकेट पर लक्ष्य हासिल कर लिया। ऑस्ट्रेलिया की जीत के हीरो ओपनर ट्रेविस हेड रहे। दरअसल एक वक्त ऑस्ट्रेलिया के 3 बल्लेबाज 48 रनों तक पवेलियन लौट गए थे, लेकिन ट्रेविस हेड और मानर्स लबुशेन के टीम इंडिया को कोई मौका नहीं दिया। ट्रेविस हेड 120 गेंदों पर 137 बन बनाकर नाबाद लौटे। उन्होंने अपनी पारी में 15 चौके और 4 छक्के जड़े। वहीं मानर्स लबुशेन ने 110 गेंदों पर 58 रन बनाए। उन्होंने अपनी पारी में 4 चौके जड़े। ट्रेविस हेड और मानर्स लबुशेन के बीच 192 रनों की पार्टनरशिप हुई। बहरहाल हम नज़र डालेंगे कि टीम इंडिया की हार के 5 बड़े कारणों पर। पहला, खराब फील्डिंग और रनआउट के मौके गवाए। भारतीय टीम महज 240 रन बना सकी। ऐसे में भारतीय फील्डरों से कसी हुई फील्डिंग की उम्मीद थी, लेकिन टीम इंडिया के फील्डरों ने बड़े मौके पर निराश किया। भारतीय फील्डरों ने रनआउट के कई मौके गवाए। मसलन रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। दूसरा कारण, शमी, बुमराह, जडेजा सभी गेंदबाज खोटे सिक्के साबित हुए। इस वर्ल्ड कप में भारतीय गेंदबाजों ने खासा प्रभावित किया, लेकिन खिताबी मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के सामने फ्लॉप साबित हुए। जसप्रीत बुमराह के अलावा मोहम्मद शमी, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव ने निराश किया। टीम इंडिया के गेंदबाज खिताबी मुकाबले में फीके नजर आए। तीसरा कारण है, बल्लेबाजों ने मायूस किया। लापरवाही भरे शॉट्स खेले। दरअसल हारने के बाद बल्लेबाजी करने उतरे टीम इंडिया के बल्लेबाज नियमित अंतराल पर पवेलियन लौटते रहे। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी का नज़ारा पेश किया, लेकिन टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने कई लापरवाही भरे शॉट खेलकर अपने विकेट फेंके। टीम इंडिया के लिए महज विराट कोहली और केएल राहुल 50 रनों का आंकड़ा छू सके। इसके अलावा बाकी बल्लेबाजों का फ्लॉप शो देखने को मिला। चौथा कारण है, भारतीय गेंदबाजों ने जमकर लुटाए एक्स्ट्रा रन। भारतीय गेंदबाजों ने जमकर एक्स्ट्रा रन लुटाए। खासकर शुरुआती ओवर में मोहम्मद शमी अपनी लाइन और लेंथ से भटके नजर आए। इसके अलावा बाकी गेंदबाजों का भी यही हाल रहा। टीम इंडिया के गेंदबाज लगातार खराब लेंथ पर गेंदबाजी करते रहे। मसलन कंगारू बल्लेबाज आसानी से रन बनाते रहे। इसके अलावा बतौर विकेटकीपर केएल राहुल ने कई मिसफील्ड की। भारतीय गेंदबाजों ने 18 अतिरिक्त रन दिए, जिसमें 7 बाय और 11 वाइड शामिल हैं। पांचवा सबसे बड़ा कारण है, ट्रेविस हेड ने हर उम्मीद पर पानी फेर दिया। भारत के 240 रनों के जवाब में ऑस्ट्रेलिया के 3 बल्लेबाज 48 रनों तक पवेलियन लौट चुके थे, लेकिन ट्रेविस हेड ने भारतीय उम्मीदों पर पानी फेर दिया। ट्रेविस हेड 120 गेंदों पर 137 रन बनाकर मोहम्मद सिराज की गेंदों पर पवेलियन लौटे, लेकिन तब तक ऑस्ट्रेलिया की जीत सुनिश्चित कर चुके थे। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के 3 विकेट आउट होने के बाद भारतीय फैंस की उम्मीदें जागी थी, लेकिन ट्रेविस हेड ने कोई मौका नहीं दिया। बहरहाल इस वीडियो को लेकर आप लोगों की क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं, और देखते रहें हापुड़ हलचल।